एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जैसे ना ये ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखी है, थर्ड पार्ट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर हम क्या करेंगे कि इसमें ना जैसे x का कोफिशियंट है, तो x का कोफिशियंट जो है हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना है, x cos ओमेगा, इज इक्वल टू p, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, इसमें कन्वर्ट करना है। अब ओमेगा बताया था मैंने, अल्फा बताया था, एंगल ओमेगा ही बताया था। चलिए इसका कोफिशियंट लेंगे, एक्स का कोफिशियंट 1 हो गया, 1x प्लस माइनस 1y इज इक्वल टू 4। इसका कोफिशियंट लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों का रूट कर देंगे, ये अंडर रूट 2 हो गया। डिवाइड इक्वेशन वन बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 y, 1 अपॉन रूट 2 x प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 y इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि क्या कोई ऐसा एंगल है जहां पर ये वाली वैल्यू तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाए, किसकी, कॉस की वैल्यू, और साइन की वैल्यू आ जाए माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो ये वो वाली प्रॉब्लम है जो आप लोग सभी बच्चे झेल रहे होंगे, शायद ये थर्ड पार्ट हुआ नहीं होगा किसी से भी, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, कि हमारा जो कॉस वाला एंगल है वो तो आ जाए क्या पॉजिटिव में, और जो साइन वाला एंगल है वो आ जाए नेगेटिव में, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, किस केस में हो सकता है, हम ये कहेंगे कि बाकी चीजें हमें पता हो या ना पता हो, क्वाड्रेंट्स तो हम जानते ही हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री इधर, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर ये 0 डिग्री वाले को ही हम क्या 360 डिग्री भी बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहां पर तो ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर टैन पॉजिटिव, और यहां पर कॉस पॉजिटिव। तो ये जो हमारा एंगल है ये कहां लाई करेगा, ये हमारा एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि मुझे कॉस वाला पॉजिटिव चाहिए और मुझे साइन वाला जो है वो नेगेटिव चाहिए, कॉस वाला पॉजिटिव साइन वाला नेगेटिव, तो क्या करें, और 1/√2 कॉस और साइन में वैल्यू कहां मिलती है, 1/√2 1/√2 45 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मुझसे 45 डिग्री एंगल पूछा जाए तो वो कितना होगा, इस तरह से बना देंगे, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूं तो ये -45 डिग्री हो जाएगा, -45 हो जाएगा, लेकिन एंगल तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पूछा जाता है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा,
एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, कितना 360, पूरा 360 है, उसमें से ये 45 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 315 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो हम ये बोलेंगे इसको कॉस 315 डिग्री इंटू एक्स प्लस साइन 315 डिग्री इंटू वाई इज इक्वल टू 4/√2। अब 4/√2 जो डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है, लाइन जो है इसमें इन्होंने क्या पूछा था हमसे कि आपको ये बताना है कि क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो 315 डिग्री हो गया। अब ये जो 315 डिग्री है इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 45 से डिवाइड जरूर होगा, ये 45 से डिवाइड जरूर होगा क्योंकि 360 में से 45 हमने सब्ट्रैक्ट करा है, तो ये 45 से डिवाइड होगा। तो 45 हाउ मच जा, 45 टू जा 90, 45 फोर जा 180, 7 जा, ठीक है, तो साइन कॉस 7π/4 बोल दो क्योंकि पाई बाई फोर 45 डिग्री होता है। कॉस 7π/4 इंटू एक्स प्लस साइन 7π/4 इंटू वाई, और फिर ये जो 4√2 है इसको हम ऐसे बोलेंगे, 4 ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, 2 टू जा 4, तो ये जो डिस्टेंस है इट विल बी 2√2, ये 2√2 हो गया, समझ गए। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से हटा दिया, टर्म वन से टर्म टू में डाल दिया ट्रिग्नोमेट्री, तो इस वजह से शायद आप लोगों से हुआ ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? अंश, दीपांशी, दिवस, हर्षिता, यस विदुषी, सर, ठीक यस सर, यस सर, है, क्या बोल रहे हो? वो टर्म टू में नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं है टर्म टू में, लेकिन आप एक बार ना अपने स्कूल वालों से पूछ लेना, स्कूल वालों से पूछ लेना, स्कूल वाले ना काफी काफी स्कूल्स में क्या हो रहा है, काफी स्कूल्स में ये जो अक्टूबर का मंथ है इस अक्टूबर के मंथ में ही वो निपटा रहे हैं टर्म वन, और टर्म टू स्टार्ट हो चुका है कई स्कूल्स में, ऐसा हो गया है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये सब स्कूल्स पर डिपेंड करता है। हालांकि आज पेपर में भी आया है कि एग्जाम 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे और परसों डेट शीट आएगी। बताओ, हाँ अभी देखता हूँ। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सीज। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फोर एक्स माइनस 3y इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ना, ठीक फोर एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 6 को डिनोमिनेटर में ले आओ, 4x/6 प्लस माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 1। 6 को इधर ले आया तो उधर 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में ले आया तो 1 बचेगा। न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है, कैसे, एक्स अपॉन 6/4 प्लस वाई अपॉन 6/-3 इज इक्वल टू 1। 2 2 जा 2 3 जा और 3 2 जा, तो ये हो गया एक्स अपॉन 1.5 प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये उठता है कि ये -2 इंटरसेप्ट कैसे हो सकता है? ये इंटरसेप्ट ऐसे हो सकता है कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट वो होता है कि कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस को जहां पर काटेगा उस पॉइंट से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम वाई इंटरसेप्ट बोल देते हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो बिलो द ओरिजिन है, नीचे की तरफ है, मतलब ये लाइन इस तरह से बनेगी, एक्स में तो जाइए 1.5 तक, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया बेटा 1.5, और वाई में जाइए -2 तक, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2, ठीक है, और इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी लाइन।
ये लाइन हो गई, ठीक है। यहां से मुझे ये समझ में आता है कि इधर से इधर तक वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज माई ए, ए यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज बी, बी यानी कि वाई इंटरसेप्ट, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, हो गया, क्लियर है? बताओ भाई, मोबाइल हटा दिया। चलिए जी, उसके बाद आप कौन सा पूछ रहे हैं? फोर्थ और फिफ्थ में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन 4 और 5। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए हैं? पार्थ, दीपांशी, अंश, अभिनव, यस बताइए। सर, यस ठीक सर, यस सर, है, चलिए जी, ठीक है, यस ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। चलो ठीक है, 4 और 5 किस लिए नहीं हुआ वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज तो मैंने बताई ही नहीं है आपको। एक टॉपिक नोट करें पहले, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हेडिंग डालेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ऐसे, और ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन को हमें लिखना होगा जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म कैसे? ax1 ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना होगा। अब मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास x1 कॉमा y1, और इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप ड्रॉप कर दीजिए इस लाइन पर। इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जो डिस्टेंस पूछा जाता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में। अच्छा, अब ये जो डी है, इस डी का एक फॉर्मूला होता है डी कैलकुलेट करने का। डी इज इक्वल टू, ये जो आपकी लाइन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह तो एक्स वन डाल दो, ऐसे लिख दो, ए एक्स वन प्लस वाई की जगह वाई वन डाल दो, प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसका कर दीजिए बेटा मॉड, मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एक तो ये है, और एक टॉपिक और है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस नोट करें, ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो वो जो दो पैरेलल लाइंस है ना, उनको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक लाइन तो ये है, और सोचिए दूसरी लाइन ये है, तो दोनों की दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हैं, तो पहली वाली लाइन की इक्वेशन मानो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है, और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू है। आप देखो कि यहाँ पर दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस में देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला टर्म है वो हमारा स्लोप होता है, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी एक्स के साथ एम मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी एक्स के साथ एम मल्टीप्लाई करा। पैरेलल लाइंस नहीं होती तो एक के स्लोप को मैं एम वन बोल देता, एक के स्लोप को मैं एम टू बोल देता, ठीक है। दोनों लाइंस पैरेलल है, दैट्स व्हाई देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। अब
अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सी, सॉरी मॉडुलस C1 - C2 डी इज इक्वल टू मॉड C1 - C2 अपॉन अंडर रूट 1 + m². ठीक है, ये हमारे दो टॉपिक्स, इसमें लास्ट ये दो टॉपिक्स थे। अब इसके बाद इन पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए। पेज नंबर 227 पर एग्जांपल नंबर 18। एग्जाम्पल 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि एक ये लाइन दे रखी है हमको, लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में ही दे रखी है, AX + BY + C इज इक्वल टू 0। आप कहोगे बीच में माइनस लगा हुआ है, तो वो वही बात है कि भाई वो कोफिशियंट -4 है, +-4 + -26। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से निकालना है। पॉइंट क्या दे रखा है, 3, -5। 3, -5 से इसका हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस देखिएगा, ये जो डी है इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू मॉडुलस AX1 + BY1 + C अपॉन अंडर रूट A² + B²। अब देखिएगा ए क्या है, 3, और X1 क्या है बेटा, 3। तो 3 × 3 + B कितना है, -4 मल्टीप्लाइड बाई Y1 कितना है, -5। ठीक, BY1 + C कितना है, -26। -26 ये मॉड हो गया, और अपॉन में अंडर रूट A² + B²। A कितना है, 3, और B कितना है, -4। तो 3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। अब देखो जी, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 × 3 = 9, -4 × -5 कितना हो गया, +20 और -26 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया -4 का स्क्वायर 16। 9 + 20 29, 29 माइनस, नहीं ये बीच में ऐड हो रहा है ना, इस वजह से नहीं हटा सकते, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हटा देते। तो 9 + 20 29, 29 - 26 हो गया 3, मॉड 3 अपॉन 16 + 9 25 होता है। स्क्वायर रूट में फिर आप ये देखना कि स्क्वायर रूट 25 का +-5 होता है, लेकिन +5 लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो +5 ले लिया, मॉड 3 तो वैसे ही 3 होता है, तो 3/5, 3/5 यानी कि 0.6 यूनिट्स ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 19 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट लाइन देखो, पहले तो क्या दे रखी है, जनरल फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म Y = mx + c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन क्या गिवन है हमको, 3x - 4y + 7 = 0।
थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस फोर वाई को अगर मैं उधर ले जाऊं तो थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू प्लस का फोर वाई हो जाएगा। ठीक है, पलट कर लिख दो, फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन, और फिर ये जो वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फोर, ये डिवाइड में चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एक्स प्लस सेवन अपॉन फोर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन। और यहाँ से इक्वेशन नंबर वन से मैं ये कह दूंगा कि सी वन जो है, सी वन आ गया सेवन बाई फोर, सी वन आ गया सेवन बाई फोर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या दे रखी है? सेकेंड लाइन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव। अब इस फोर को इधर ले जाओ, वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर। तो देखो एम तो यही है, थ्री अपॉन फोर, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इधर भी थ्री अपॉन फोर आ रहा है, इधर भी थ्री अपॉन फोर पैरेलल लाइन्स हैं, तो स्लोप तो वैसे ही बराबर आएगा। ठीक है, वो सी वन की वैल्यू सेवन बाई फोर आई, तो सी टू की वैल्यू इधर आ गई बेटा फाइव बाई फोर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स डी इज इक्वल टू मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू मॉडुलस सेवन बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर अपॉन अंडर रूट वन प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर। सेवन बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर क्या हो जाएगा, टू बाई फोर का मॉड। यहां डिनोमिनेटर में वन प्लस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, नाइन, और फोर का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हो गया टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वन अपॉन टू का मॉड, वन अपॉन टू का मॉड तो वन अपॉन टू ही आएगा, वन अपॉन टू अपॉन सिक्सटीन, वन जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे वन अपॉन टू अपॉन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट हो गया फाइव, और सिक्सटीन का स्क्वायर रूट हो गया फोर। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई, तो वन इंटू फोर अपॉन टू इंटू फाइव, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये आ गया टू अपॉन फाइव, यानी कि जीरो पॉइंट फोर, जीरो पॉइंट फोर इसका आंसर आ गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग सभी बच्चे ट्राई करने की कोशिश करो, अभी करो फटाफट ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फोर हुआ नहीं था ना, अब करिए फटाफट, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ। एनसीईआरटी लाइन लो क्या? एनसीईआरटी निकालो ना, बैठ के क्या करेंगे? एनसीईआरटी वाली बात क्या? वो क्या ना, मैंने इसकी बड़ी प्लानिंग की है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सिक्स। इक्वेशन को जो लाइन की इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर फटाफट निकालो पॉइंट के और पॉइंट के।
ये ऑनलाइन वाला बच्चों से हुआ। अभिनव अंश दीपांशी दिवस क्या हो गया इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का करोड़ का कन्वर्ट करने से होगा। ठीक है, अब ये जो y वाला है इसको इधर देख रहा हूँ, सारी सब कुछ लेफ्ट में ले आओ। पहले लिखो 12x माइनस 5y प्लस 72 और माइनस 10 करा कर प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। रुको एक मिनट, 12x माइनस 5y 12x माइनस 5y 72 प्लस 10 कितना हो गया, प्लस 82 प्लस 82 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c। मेरे पास ए कितना आ गया 12, बी कितना आ गया -5 और सी कितना आ गया 82। ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन क्या दे रखा, -1, 1। फॉर्मूला लिखो डी इज इक्वल टू मॉडुलस मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन मॉड क्लोज अपॉन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब अगला स्टेप यहाँ नीचे नीचे करो, नीचे नीचे करो, इज इक्वल टू का साइन लगाओ, पहले मॉड का बनाओ सिंपल मॉड। अब ए कितना है, ए क्या है यहाँ पर 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स वन कितना है -1, तो 12 इनटू -1। ठीक है, प्लस बी कितना है -5 है तो देखो -5 मल्टीप्लाई बाई वाई वन कितना है 1। ये क्या हो गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सी कितना है, सी को दिल रखा है 52 प्लस 82 मॉड क्लोज अपॉन अंडर रूट पूरे का अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आगे नीचे नीचे देखो, नीचे हो गया तो फार्मूला 12 इनटू -1 -12 मॉड लगा, मॉड लगाओ -12 और -5 इनटू 1 -5 देखो -5 -5 और प्लस 82 मॉड क्लोज अपॉन में 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एडिशन 169 169 इक्वल पूरे करेंगे, मतलब पूरा करो पूरा करो 144 प्लस 25 अंडर रूट ऊपर देखो -12 -5 -17 82 -17 कितना होता है बताओ, हो गया भाई बाकी बच्चों से। हाँ चलो ठीक है, 82 -17 65 देखो तो 65 हो गया, और नीचे 169 का रूट क्या होता है 13 का 65 हो गया। क्वेश्चन लेकर बैठे हो चलिए जी अगला देखते हैं। और जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन आर 5 यूनिट्स। अब क्या है कि लाइन मेरे को दे रखी है और उसका डिस्टेंस दे रखा है और वो पूछ रहे हैं पॉइंट्स बताने। पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो आपसे एक्स वन कॉमा वाई वन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में इन्होंने पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो हम ये कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स वन कॉमा वाई वन होता है ना, जो पॉइंट है पॉइंट का जब किसी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो एक्स वन कॉमा वाई वन होता है पॉइंट। यहां पर मैं क्या लूंगा,
एक्स वन कॉमा जीरो, रीजन में लिख देना बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन, वेयर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर उसका वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन आर फोर यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या है, डिस्टेंस तो एक ही होता है ना, डिस्टेंसेस क्यों दे रखा है, आर फोर यूनिट्स क्यों दे रखा है बताऊंगा अभी। पहले आप देखो कि जो लाइन है वो लाइन क्या दे रखी है हमको, लाइन है x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो थ्री और फोर का एलसीएम बोलो 12, थ्री फोर जा 12, फोर इंटू एक्स फोर एक्स, फोर थ्री जा 12, थ्री इंटू वाई थ्री वाई इज इक्वल टू वन। 12 को इधर ले जाओ, 4x plus 3y is equal to 12. अब 12 को इधर ले आओ, 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. General form में convert हो गया, ठीक है। a आ गया, b आ गया, c आ गया, ax plus by plus c की form में आ गया ना। Point मेरे पास x1 comma y1 होता है, x1 comma 0 दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं जो distance है, distance इन्होंने हमको दे रखा है, whose distances from the point are four units. Distances का मतलब समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा। देखिए हम distance का जो formula होता है वो ये होता है, d is equal to, पहले तो distance is equal to four दे रखा है, d का formula modulus ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square इज इक्वल टू फोर दे रखा है ना। तो भाई ए कितना है यहाँ पर, फोर, चलिए फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन प्लस बी कितना है यहाँ पर, थ्री, थ्री मल्टीप्लाइड बाई वाई वन कितना है जीरो, प्लस सी कितना है, सी है माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व मॉड क्लोज अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है फोर, फोर का स्क्वायर, बी कितना है थ्री, थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ये हो गया फोर एक्स वन, थ्री इंटू जीरो क्या हो गया जीरो, माइनस ट्वेल्व का मॉड अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का रूट सीधा फाइव लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू फोर, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फोर एक्स वन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि हमें मॉड के अंदर अननोन वैल्यू दे रखी होती है, तो मैं मॉड का जो रिजल्ट है वो प्लस में भी लेता हूँ और माइनस में भी लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी एक्स वन की, ठीक है। देखिएगा मैंने बोला कि ये हो जाएगा फोर एक्स वन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वेंटी, क्योंकि मॉड के अंदर अननोन वैल्यू दे रखी है। यहां तक सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी सबको, ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर, प्लस माइनस इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मॉड का रिजल्ट क्या आने वाला है। हाँ, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो तो ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही था, वो तो फोर हमने पॉजिटिव ही लिया था, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, इस वजह से मैंने इसको प्लस माइनस ले लिया। अननोन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखूंगा मैं, 4x1 minus 12 is equal to plus 20 है अगर, और दूसरा केस है 4x1 minus 12 is equal to minus 20, तो 4x1 is equal to 20 plus 12 कितना हो गया 32, और 4x1 is equal to minus 20 plus 12, इधर से तो x1 की वैल्यू आ गई 8, और इधर से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट बाई फोर कितना हो जाएगा माइनस टू। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो दो हो सकते हैं, सो द पॉइंट्स कैन बी एट कॉमा जीरो और
एट कॉमा जीरो और माइनस टू कॉमा जीरो, एट कॉमा जीरो और माइनस टू कॉमा जीरो, इसका मतलब क्या है? एट कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो, इसका मतलब ये है कि जरा ना कोऑर्डिनेट्स बनाकर देखो, एट कॉमा जीरो बेटा यहाँ कहीं लाई करेगा, एक्स इधर है एट कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और जब कभी किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है तो वो जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन है ना वो यहाँ कहीं होगी, वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है। और कैसे हम ये कह देंगे कि माइनस टू कॉमा जीरो और एट तक टोटल डिस्टेंस कितना बता देंगे, माइनस टू से लेकर और एट तक डिस्टेंस कितना है, टेन, टेन हो गया ना भाई, दो इधर और आठ इधर, टोटल टेन हो गया। उसका मिड पॉइंट बताएंगे क्या होता है, अगर मान लीजिए मिड पॉइंट निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो एट थ्री हो गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये थ्री कॉमा जीरो है, ये थ्री कॉमा जीरो है, मतलब क्या है कि वो पॉइंट इधर भी हो सकता है तो यहां से भी डिस्टेंस कितना आएगा फोर, और ये पॉइंट जो है इधर भी हो सकता है तो यहां से भी डिस्टेंस कितना आएगा फोर। है ना, फाइव कैसे आ रहा है, क्या गलती हुई, फाइव कैसे आ रहा है, फोर एक्स वन माइनस ट्वेल्व था ना, ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थर्टी टू हो गया, एक्स वन हो गया एट और ये हो गया माइनस टू, एट कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो, एट और टू टेन, टेन मतलब फाइव, दोबारा बोलो क्या होगा, और माइनस एट अपॉन फोर क्या होगा, ये गलती कैसे हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर फोर यूनिट्स, फोर यूनिट्स, एक्स अपॉन थ्री वाई अपॉन फोर, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये तो इनका मिड पॉइंट हमने निकाला ना, लाइन तो ठीक बनाई थी ना, चलो तो शायद मैंने यही कुछ गलत लिया है, माइनस टू कॉमा जीरो और एट कॉमा जीरो, तो दोनों से बराबर होना चाहिए फोर फोर। हाँ नहीं नहीं मिसप्रिंट नहीं है, गलती भी है, गलती मैं बताता हूँ क्या है, उन्होंने बोला ना लाइन, तो लाइन जो है वो हमें ऐसे ही नहीं बना लेनी चाहिए थी कि हमने ऐसे ही लाइन बना ली, एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, तो लाइन ऐसे ही नहीं है कि फालतू में हमने इसको जो है वाई एक्सिस के पैरेलल ही बना लिया, इस लाइन को जरा बनाते हैं, है ना भाई, पॉइंट तो यही है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जो लाइन है वो क्या है, x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, तो वो लाइन मैंने जबरदस्ती गलत बना दी, x अपॉन थ्री मतलब यहां पर तो हम चलेंगे थ्री तक, थ्री कॉमा जीरो, ठीक है, और y जो है y में जाएंगे फोर तक, फोर कॉमा जीरो, y इंटरसेप्ट हो गया, जीरो कॉमा फोर सॉरी, और इन दोनों को ज्वाइन करो, तो लाइन तो ये है, लाइन ये है। अब अगर इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे या इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों तरफ से फोर ही आएगा, ये है वो लाइन जो मैंने बीच में बनाई वो गलत बना ली थी, समझ गए, ये लाइन तो यही है ना भाई, लाइन समझ में आ गई कि x अपॉन थ्री था प्लस y अपॉन फोर, तो x x इंटरसेप्ट कितना होगा थ्री और y इंटरसेप्ट कितना होगा फोर, दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गई लाइन, ठीक है। बताइए जी ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर, यस सर, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स,
क्वेश्चन नंबर सिक्स के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में छोड़ रहा हूँ आप लोग करना, सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट क्या है? L into x plus y plus p is equal to zero, फर्स्ट लाइन है। L into x plus y plus p is equal to zero, ये दे रखा है हमें ना, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उन दो पैरेलल लाइंस के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो जब उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम उन्हें पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करा जाएगा, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, एल वाई को इधर ही छोड़ो, माइनस एल एक्स माइनस पी, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, l, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एल इंटू एक्स माइनस पी अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से मैं ये कहूंगा l से l कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस माइनस पी अपॉन एल, मतलब m जो है m तो हो गया माइनस वन और जो c1 है वो क्या हो गया, माइनस पी अपॉन एल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन देखिएगा, ये है एल इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, एल वाई इधर छोड़िए इज इक्वल टू माइनस एल एक्स प्लस आर, अब वाई इधर छोड़ो एल उधर ले जाओ, माइनस एल अपॉन एल इंटू एक्स प्लस आर अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारा जो सी टू है सी टू आ गया आर अपॉन एल। तो अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो मॉडुलस सी वन कितना है, माइनस पी अपॉन एल, माइनस सी टू कितना है, r अपॉन एल अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम माइनस वन, तो इसको हम कहेंगे माइनस पी माइनस आर अपॉन एल, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट टू, बस यही इसी तरीके से छोड़ देना है इसको, इसको और नहीं करेंगे क्योंकि पी और एल ये सारे के सारे जो हैं ये अल्फाबेटिकल कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो मुझे ये पता ही नहीं कि इनकी वैल्यू क्या है, कुछ पूछ रहे हैं हा? चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, क्वेश्चन नंबर सेवन भी आप करिए। क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन एट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट थ्री, एट मैं कराता हूं, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है देखिए,
बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो एक लाइन दे रखी है मेरे को और वो बोल रहे हैं कि मुझे एक दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं गिवन लाइन देखूंगा. गिवन लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो मैं इसका स्लोप निकालना चाहूंगा. क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के बराबर होता है. एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1 होता है. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका स्लोप निकालना चाहूंगा. तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. समझ गए, 7y इज इक्वल टू मतलब -7y को उधर ले गया, +7y हो गया, पलट कर लिख दिया. y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/7 इंटू एक्स प्लस 5/7. मतलब जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इधर जाकर डिवाइड में चला गया. हाँ, अब मेरे पास जो गिवन लाइन है इसके स्लोप को मैंने बोल दिया m1, तो m1 आ गया 1/7. तो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ठीक है, m1 है 1/7 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1. ये 7 इधर चला जाएगा, तो m2 यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या आ गया, -7. ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, इट इज हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3. एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. ये स्लोप हमने निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट दे देते तो बात बन जाती, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है. भाई मेरे पास तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें जो इंटरसेप्ट होता है वो तो वाई इंटरसेप्ट होता है ना, पर इन्होंने तो एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है. तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है, ठीक है, वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. ठीक, तो जरा उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं एक चीज बोल देखता हूं यहां पर. जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने ये लाइन बना दी ऐसे, तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस है ये यही तो होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट. ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, 3. ये 3 दे रखा है, तो बेटा ये पॉइंट कितना हो गया, 3,0. और इस लाइन का स्लोप कितना निकाल चुका हूं मैं, -7 है. m2 निकाला ना, -7, तो बन गई मेरे पास तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई. पॉइंट यानी कि एक्स वन वाई वन है और स्लोप मेरे पास -7 है. वाई माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन, ये रहा. इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो वही एक्स वन वाई वन है. ठीक है, तो एक्स वन वाई वन क्या हो गया, 3,0, और स्लोप क्या हो गया, -7. ठीक है, तो हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. एम मतलब यहाँ पर क्या है, m2. ये जो m2 है यही m है इस केस में. ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना है, ये पॉइंट 0, y वाला कोऑर्डिनेट 0. m2 कितना है, -7. एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 3. y इज इक्वल टू -7x, और -7 इंटू -3 क्या हो गया, प्लस का 21. ले आओ जी इधर इसको, 7x प्लस वाई -21 इज इक्वल टू 0. ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई करिएगा, हो सकता है ना हो, पर एक बार ट्राई जरूर करना. ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगा आपको. चैप्टर में और कोई नया टॉपिक नहीं है, चैप्टर कंप्लीट है. ठीक, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना, तब कंप्लीट माना जाएगा चैप्टर. ठीक है, चलिए जी. और मैं जो है ना,
नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स लेकर, और फिर मैं आप लोगों का टर्म वन के हिसाब से रिविजन स्टार्ट करा दूंगा। ठीक, और कोई टॉपिक बचा तो नहीं है? स्टैटिस्टिक्स तो होता है, करा देंगे छोटा सा चैप्टर। फिर स्टैटिस्टिक्स का एक काम करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के ना एमसीक्यूज एमसीक्यूज ही कर लेंगे बस। ठीक है? हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो सर। जैसे पीएमआई है उसमें तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एमसीक्यू